हाँ जी नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अजय एग्रोरथिया के YouTube चैनल में। आज हम मौजूद हैं मोगा एग्रीकल्चर वर्कर्स रतिया के यहाँ, जहाँ हमने अपनी लास्ट वीडियो शूट की थी जो कि हमारे से ट्राप ब्लोर के बारे में थी। आप में से बहुत ही किसान भाइयों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है उस आपकी तरफ से। आप में से जिस भी किसान भाई ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना। आज जिस इम्प्लीमेंट की हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो है ये चाफ कटर, जिसको कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। ये चाफ कटर भी MAW इंडस्ट्री रतिया के द्वारा तैयार किया गया है। ये चाफ कटर बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही आधुनिक तकनीक के द्वारा तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि जो आज की हमारी ये वीडियो है ये हमारे पशुपालक भाइयों के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जो आपको चाफ कटर दिखाने वाले हैं उससे आप पशुओं के लिए हरा चारा, सूखा चारा, उसको कुट्टी कर सकते हो। सो आज के जो हमारे चाफ कटर, इसका मेन यूज़ पशुपालक भाइयों के लिए होने वाला है। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा चाफ कटर जिससे कि आप आटा, दलिया, प्रत्येक प्रकार की दाल, हर एक चीज़ को आप कुट्टी कर सकते हो। वो हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सो उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, बने रहना वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो ये चाफ कटर। सो MAW इंडस्ट्री ने जो पशुपालक भाइयों के लिए चाफ कटर तैयार किए हैं उसमें दो मॉडल लॉन्च किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले मॉडल के बारे में, इसको नाम दिया गया है स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये हमारे उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो 10 से 20 पशु रखते हैं। पहले दोस्तों क्या होता था, मार्केट में बड़े चाफ कटर आया करते थे और जो हमारे नॉर्मल पशुपालक भाई हैं जो 10 से 20 पशु रखने वाले हैं वो उसको बाय नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण, ज़्यादा महंगा होने के कारण हमारे पशुपालक भाई उसको नहीं परचेज कर पाते थे। सो किसान भाइयों की उन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए MAW इंडस्ट्री ने तैयार कर दिया जो स्टैंडर्ड मॉडल चाफ कटर। इससे आप हरा चारा कुट्टी कर सकते हो, सूखा चारा कुट्टी कर सकते हो बड़े ही आराम से और बहुत ही कम समय में। बात कर लें इसके क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही हैवी ड्यूटी इसको तैयार किया गया है। मजबूती के मामले में, क्वालिटी के मामले में कोई कंजूसी नहीं की गई, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। लुक वाइज आप इसको देख सकते हो, कलर भी इसमें बहुत ही अमेजिंग दिया हुआ है। सबसे खास बात, इसमें जो आपको रिवर्स और फ्रंट दोनों गियर मिल जाएंगे आपको, जिससे कि कभी कभी होता है कि इसमें जो चारा अटक जाता है वो, उसके लिए किसान भाई को पहले इंजन को बंद करना पड़ता है, फिर उसको बैक खींचना पड़ता है। इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आप सभी किसान भाइयों के लिए। इसमें रिवर्स गियर है और बहुत ही अच्छे हैवी ड्यूटी में इसको तैयार किया गया है और हमारे पशुपालक भाइयों की बजट में भी है। सो ये हमारी सबसे मेन बात होती है, तो बजट में भी इसको तैयार किया गया है। लास्ट में हम इसका प्राइस, इसका रेट, इसका वेट, प्रत्येक प्रकार की आपको जानकारी देंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मॉडल के बारे में, जो कि है अपना प्रो मॉडल। आप इसको प्रो बोल सकते हो क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना, वो शायद ही आपने किसी चाफ कटर कैटेगरी में, किसी और चाफ कटर में देखी हो। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, जो आपने कभी आज तक किसी और चाफ कटर में नहीं देखी होगी। तो इस सबसे पहले आपको बता दें कि इन दोनों मॉडल में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही MAW इंडस्ट्री ने खुद तैयार किए हैं और दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि ये हमारे जो पहला मॉडल है वो हमारे पशुपालक भाइयों की बजट के हिसाब से बनाया गया है, जो हमारे नॉर्मल पशुपालक भाई होते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है, उनके बजट के हिसाब से। तो ये हमारा जो दूसरा मॉडल है प्रो मॉडल, इसमें बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसमें भी रिवर्स गियर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसका आप व्हील देख सकते हो, व्हील इसका कट वाला दिया गया है, जिससे कि इसकी स्पीड में भी तेज़ी आई है। जहां हमारा पहला मॉडल 1 घंटे में 65 से लेके 70 केजी
चारे को कुट्टी करता है, वहीं जो हमारा प्रो मॉडल 80 से लेकर 85 केजी हरा चारा आराम से कुट्टी करता है सिर्फ एक घंटे में। सो कहीं ना कहीं आपको टाइम की और डीजल की बहुत ही बचत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारे इस प्रो मॉडल में। अब बता दें आपको, अगर किसी किसान भाई के खेत में बिजली की प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको डीजल इंजन पे भी चला सकते हो बड़े ही आराम से। बहुत ही कम डीजल इसमें यूज़ होता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होती है और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। और साथ में आप देख सकते हो इसमें जो व्हील यूज़ हुए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज़ हुए हैं। इससे हमारे पशुपालक भाई, सिर्फ एक सिंगल बंदा इस हमारे चाफ कटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है बिना किसी परेशानी से और बहुत ही आराम से, सिर्फ एक सिंगल बंदा। सो कहीं ना कहीं आपको इसमें अनेक ही फायदे मिलने वाले हैं। सो आप में से जिस भी किसान भाई ने इसको ख़रीदना है, जो इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारे, उन पे कॉल कर सकता है। फैक्ट्री एड्रेस भी है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, इसको देख सकते हो। और MAW इंडस्ट्री के और भी इम्प्लीमेंट्स है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर लें, हमारे ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हो और इसको बुक करवा सकते हो। और डीलरशिप का खास ऑफर है, अगर कोई हमारा भाई डीलरशिप लेना चाहता है हमारे चाफ कटर की, जहाँ MAW इंडस्ट्री किसी और इम्प्लीमेंट की, तो आप डीलरशिप भी ले सकते हो। किसान भाइयों जुड़े रहें अजय अग्रवर्तिया के इस YouTube चैनल के साथ। जो जिस भी किसान भाई ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे और भी हम आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट की जानकारी लाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। सो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस इम्प्लीमेंट के ऊपर बनाएं। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। साढ़े वाले तो ऐ करता, साढ़े वाला तो पुराना, जे अभी फिर पेंशन लगानी है पुराने तो होगा वो घर वो